दोस्तों जब हम रेस्तरा में पनीर पराठे को ऑर्डर करते हैं तो वो नॉर्मल सा पनीर पराठा होता है जिसमें आपको पनीर को स्टफ़ किया होगा। इस रेसिपी में हम पनीर के साथ एक नया ट्विस्ट करेंगे जहाँ पे आपको एक अलग लेवल का टेस्ट मिलने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए इस नए पनीर पराठे की रेसिपी को शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूँ का आटा मेजरमेंट के अनुसार। इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल 1.5 चम्मच और इसे जो है हम अच्छे तरीके से पहले मल लेंगे ताकि आटा में पूरे अच्छे तरीके से तेल मिल जाए। यहाँ पे हमने चोकर युक्त गेहूँ का आटा लिया है जो नॉर्मली हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इस आटे का एक डिमेरिट है जो यह है कि यह पराठे को फूलने नहीं देगा, खासकर पनीर पराठे को बहुत कम फुलाएगा। इस पे हम थोड़ा सा पानी डाल के जो इसे पहले अच्छे तरीके से इसका डो प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम घर में रोटी का डो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइनली जो है डो प्रिपेयर हो चुकी है। तो अब चलिए चलते हैं पनीर वाले प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने स्लाइस्ड प्याज लिया, उसके बाद कटी हुई प्याज, अदरक, उसके बाद लहसुन हमने लिया और ये पनीर हमने लिया है। तो चलिए इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, आप चाहे तो नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले हरी मिर्च कटी हुई। गैस का फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, मीडियम टू हाई पे रखना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक थोड़ा सा, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन और इसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है तो यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच जीरा लिया और इसे हम डाल देते हैं। यहाँ पर हमें जो है मसाले को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भुनना है, कम भुनना है। तो यहाँ पर हमारे लगभग मसाले रेडी हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर स्लाइस किया हुआ प्याज को डाल दिया है और इन्हें जो है 2 से 3 मिनट तक जो है गैस के फ्लेम को मीडियम करके पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने ढक दिया है और ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज का कलर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब चलिए इसमें जो है हम पनीर को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पनीर को तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देते हैं और इन्हें जो पहले अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने पनीर को डाल दिया है और अच्छे तरीके से इसे हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पनीर को मिला लिया, इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें हम डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये सॉस थोड़ा सा टोमेटो का, आप चाहे तो इसे जो है स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम मिला लेते हैं। जनरली यहाँ पे जो हम पनीर जो पराठा बना रहे हैं वो एक मसाला पनीर पराठा होगा। इसे जो है हमें गैस के लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पकाना है और इसमें जो है 1 छोटी चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला वाली फुटेज जो है मिस हो गई है, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही, इसलिए जो है मैं इस वीडियो में वो फुटेज ऐड नहीं कर पाया हूँ। चले इसे जो है अब ढक के पकने के लिए हम रख देते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है बड़े साइज का लोई। तो इसे जो है कचौरी के शेप पे पहले रोल कर देते अच्छे तरीके से और इसमें हम स्टफिंग को डाल देंगे। रोल हो चुका है तो इसमें जो है भर के स्टफिंग डालेंगे, आप चाहे तो कम डाल सकते हैं। भर के डालने से होगा ये थोड़ा सा जो है फट जाएगा, लेकिन टेस्ट जो है हमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे जो है इसे रोल कर लेते पहले और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम तोड़ के हटा लेते हैं। पहले यहाँ पर जो है इसका कचौरी हम बना के जमा कर लेंगे। यहाँ पर कुल हम जो है 3 पराठे बना रहे हैं, तो 3 कचौरियाँ जमा हो चुकी है। तो अब चलिए इन्हें जो है बेलने के प्रोसेस में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बेल लेते हैं बेलन की मदद से, कुछ इस तरीके से। बेलन का प्रेशर जो है आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। हाँ, आप चाहे तो इसे जो है हाथ से दबा दबा के भी जो है बना सकते हैं पराठे को, उसमें फटने के चांस जो है बहुत कम रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ये बेलन की मदद से जो है इस पराठे को बेल दिया है। अब चलिए इसे जो है सिकाई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे तवे पे हमने डाल दिया है इस पराठे को और इसे जो है 1 मिनट तक पहले इधर से पकाएंगे, फिर इसे जो है पलट देंगे। तो यहाँ पे हमने पलट दिया है, उसके बाद इसके ऊपर जो है हम डाल देते हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसे जो है फैला देते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो है छोलने की मदद से इसे फैला दिया है। अब चलिए इसे जो हम पलट देते हैं और इसके ऊपर से भी जो है हम रिफाइंड ऑयल को डाल देते हैं और इन्हें भी जो है अच्छे तरीके से हम चला देंगे। तो यहाँ पे जो है पराठे को सिकने देते हैं। इस पराठे को सिकने में जो हमें 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। तो पराठे हो गए हैं रेडी, अब चलिए इसी तरीके से बाकी के 2 पराठे भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पराठे को बना लिया है, चलिए हम इसे जो है कट करके आपको दिखाते हैं कि आखिर पराठा हमारा कैसा बना है और इसकी अंदर की कलर कैसी आई है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, गर्म पराठे है तो हमारा हाथ पक रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको खोल के दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से आप घर में जो है मसाला पराठा बना सकते हैं पनीर वाली, बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत ही लाजवाब है ये रेसिपी। इस रेसिपी के बारे में अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हमें बहुत खुशी होगी।
इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो लाइक और शेयर करके हमें अप्रिसिएट करना ना भूलें। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें। हम आपके लिए एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ जरूर आएंगे।